हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एंड्रॉयड 11 का बेटर वर्जन नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि एंड्रॉयड 11 में क्या खास हो सकता है। एंड्रॉयड 11 में गूगल ने रीसेंट एप्स स्क्रीन में हाल ही में ओपन किए गए एप्लीकेशन का प्रीव्यू साइज को बड़ा कर दिया है। यानी कि आप जिन एप्लीकेशन को हाल ही में, मतलब कि जस्ट कुछ देर पहले ओपन किया होगा, वो आपको पहले के मुकाबले में बड़े नज़र आएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रीनशॉट का प्रीव्यू भी पहले के मुकाबले में बड़ा दिख रहा है। उसके बाद गूगल ने स्क्रीनशॉट लेने पे नज़र आने वाले पॉपअप में भी चेंजेस किए हैं। एंड्रॉयड 11 में आपको छोटा प्रीव्यू दिखेगा। ये जो प्रीव्यू होगा ये iOS के जैसा होगा। इसके साथ ही आपको स्क्रीनशॉट पे एक एडिट और डिसमिस करने का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। उसके बाद आपको पता ही है, गूगल लगातार एप्स परमिशन को फिक्स करने में लगा हुआ है। पिछले कुछ वर्जन की तरह ही एंड्रॉयड 11 में भी कंपनी इसे बेहतर करने में लगा हुआ है। एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू 3 में गूगल ने नया फीचर ऐड किया है। अगर यूज़र लॉन्ग टाइम तक कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गूगल उस एप्लीकेशन से सभी परमिशन वापस ले लेगा। इससे यूज़र्स को ये फ़ायदा मिलेगा कि उनका डेटा सेफ रखने में हेल्प मिलेगा। एंड्रॉयड 11 में यूजर को हॉटस्पॉट मेन्यू में एक नया ऑप्शन मिलेगा। कंपनी इस बार यहाँ पे इंटरनेट ट्रेसिंग का ऑप्शन भी ऐड कर रही है, जिसकी हेल्प से यूजर इंटरनेट एडाप्टर के जरिए यूएसबी की हेल्प से अपने फोन को कनेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आपको इस एंड्रॉयड 11 में प्रिसिस्टेंट नोटिफिकेशन को हटाने का ऑप्शन भी मिलेगा। अब तक यूजर्स नोटिफिकेशन बार से उस नोटिफिकेशन को हटा नहीं पाते थे जो ऐप बैकग्राउंड में चलते थे। इस नए अपडेट में यूजर को इन नोटिफिकेशन को हटाने की फैसिलिटी भी मिल सकती है। तो इस तरह के चेंजेस हमें देखने मिलेंगे एंड्रॉयड 11 में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।